Today we will discuss the next article of alternating current, that is AC circuit containing series combination of RLC circuit, and then we will discuss few numericals based on the phasor diagram. Okay, so aaj hum again we will start with the very important topic AC circuit containing series combination of R and C. A आपके पास AC signal है. E is equal to E naught sin omega t. आपने एक resistance, एक inductor और एक capacitance series में connect कर दिए. जब आप series में connect करोगे, तो सबसे important बात all the devices components are in series, so current will be same in R, L and C, and they are having same amplitude and same phase. So humne draw kiya, current is along x axis. In all the components current is along x axis. Humne kya padha hai? रेजिस्टेंस में वोल्टेज एंड करंट दे आर अलोंग द सेम फेज, तो वी आर एंड आई आर इन सेम एक्सिस. फिर हमने क्या पढ़ा था, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह जाता है इन केस ऑफ इंडक्टर, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह गया. अब कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे निकल गया, तो हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स का करंट और वोल्टेज का रिलेशन आ गया. जब रिलेशन आ गया तो हमने इन्हीं वेक्टर्स को इस डायग्राम में ड्रॉ कर दिया. फेजर डायग्राम में क्या है, सबसे पहले E नॉट, इसका प्रोजेक्शन E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t. करंट इज अलोंग x एक्सिस, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज I नॉट. VL इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अलोंग y एक्सिस फॉर इंडक्टर, और VC इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. I naught is the peak value. तो हम वोल्टेज के लिए तीनों कंपोनेंट्स का रिलेशन लिखेंगे. हम क्या कहेंगे, VR is equal to I naught R. करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज. VL, I naught, रेजिस्टेंस क्या होता है, XL. VC वेक्टर I नॉट XC. बात समझ आई. अब हम क्या करते हैं, VL अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, VC अलोंग नेगेटिव x एक्सिस. अगर हम VL में से VC घटा दें तो आपके पास नेट वोल्टेज अलोंग पॉजिटिव x से y एक्सिस बच गई, तो आपके पास ये आपने कंप्लीट कर लिया. दिस इज VL माइनस VC एंड दिस इज VR अलोंग I. ठीक है, तो आपके पास नेट रिजल्टेंट क्या होगा, VL माइनस VC इज परपेंडिकुलर, VR अलोंग x एक्सिस, ये आपके पास पॉइंट O हो गया. तो आप क्या करोगे, O K square is O A square plus A K square. तो O K आ जाएगा V L minus V R का square plus V L minus V C का square का root. V R square, that is this square.
the flow of current containing resistance only to the DC circuit. And impedance is the total resistance offered by the R, L and C when AC is connected to these components. So total impedance means total resistance offered by the AC circuit containing R, L and C. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया Z is equal to R square plus XL minus XC square. ये जो आपका एंगल है that is the phi. ठीक है, phi is the angle. तो आप क्या करोगे, tangent phi is dl minus bc by dr, that is I से I काट दो, xl minus xc by r. अब आपके पास तीन कंफ्यूजन है, कैसे xl बराबर xc हो, xl greater than xc हो, xl less than xc हो. अगर xl बराबर xc है phi zero, that is resonance condition. हम आगे पढ़ेंगे उस सर्किट में अगर इसका और इसका रिएक्टेंस इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो आपके पास सर्किट में सिर्फ R रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा, डोमिनेट R करेगा. अगर XL XC से बड़ा हो जाए तो आपका क्या है, वोल्टेज करंट को लीड करेगा, सर्किट इंडक्टर डोमिनेंस होगा. अगर XL XC से छोटा हो जाए तो सर्किट कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग होगा, उस केस में वोल्टेज करंट से पीछे रहेगी, वोल्टेज करंट वोल्टेज से आगे रहेगा, कैपेसिटर डोमिनेट करेगा. ठीक है, तो ये था आपका आरएलसी सर्किट. आरएलसी आपने एसी से कनेक्ट किए, आपको पता है करंट अलोंग एक्स एक्सिस सेम एम्पलीट्यूड सेम फेज बिकॉज दीज कंपोनेंट्स आर इन सीरीज. फिर आपको ओके स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास इंपीडेंस का रिलेशन आ गया, इंपीडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस. ये बात समझ में आ गई. तो ये था बेटा आपका, अगर किसी सर्किट में आर एल सी तीनों कनेक्ट हो जाए तो आपका सर्किट कैसा बिहेव करता है अगर तीनों आपके किस में है, सीरीज में. तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टर ओनली एंड कैपेसिटेंस ओनली, देन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल सी. अब हम पढ़ेंगे फ्यू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मीन एंड एवरेज वैल्यू, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू. ठीक है बेटा, तो वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स. ठीक है, ओपन योर नोटबुक्स एंड पेन एंड नोट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट. Numericals are easy for this chapter. Dekho beta, if the effective value of current in 50 hertz AC circuit is 5 ampere, what is peak value of current, mean value of current over a half cycle, third value of current 1 upon 300 second after it was zero. आपको दिया क्या क्या है, आपको effective value, virtual value आपको दी है, RMS value of AC.
पास वर्चुअल वैल्यू होती है आई नॉट बाय टू, ये पहला रिलेशन है। आई नॉट आपको निकालना है तो आपके पास आई नॉट आ जाएगा रूट टू आई बी, ठीक है। दैट इज 1.414 into 5, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम पीक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है आपको निकालना है, ये आ गया बेटा 7.07 एम्पियर। अब आपके पास इसका दूसरा पार्ट है, आपको एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल निकालनी है। तो आपके पास आईएम का फॉर्मूला क्या है, 2/π I0, ये आ गया 2π की वैल्यू 3.14 एंड इट इज 7.07। ये आपके पास आ गया एवरेज वैल्यू 4.5 एम्पीयर। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0। तो आपके पास फॉर्मूला क्या लिखेगा बेटा, हमें पता है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा। पीक वैल्यू ऑफ करंट है 7.07 साइन ओमेगा 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, 2π into 50, टाइम कितना दिया है 1/300, तो ये हो गया 100, ये 3π/3 is 60 degree, 60 पे वैल्यू लिखोगे 7.07 into √3/2, समझ आई, साइन 60 √3/2, ये आ जाएगा 6.12 एम्पीयर, ठीक है। तो बेसिकली सारे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं इन्हीं 3-4 फॉर्मूलों पे घूमते हैं। कईयों में क्या होगा, आई दे देंगे टी निकलवा लेंगे, टी दे देंगे तो आई निकलवा लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है। कई बार आपको टी निकलवाया जाता है और आई दिया जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको फ्रीक्वेंसी और वर्चुअल वैल्यू दी है, इफेक्टिव वैल्यू मीन्स RMS वैल्यू। तो आपको आई नॉट निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है बेटा, और आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नाउ तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखो बेटा, द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एसी सोर्स इज आई इज इक्वल टू 10 sin 3/140, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। अब आपको ओरिजिनल क्या इक्वेशन है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहला स्टेप है आपको दोनों इक्वेशंस कंपेयर करनी है। सबसे पहले क्या पता लगा, आई नॉट 10
तो ये था आपका सेकेंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज वैल्यू एंड वर्चुअल वैल्यू. नाउ राइट डाउन द थर्ड स्टेटमेंट. हाँ जी, ये सब एक ही तरह के हैं. एक और लिखिए, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर ए 220 वोल्ट सप्लाई. अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर ए 220 वोल्ट सप्लाई. फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको? सबसे पहले रेजिस्टेंस आर, ठीक है, फिर आपको निकालना है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फिर आपको निकालना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है. अब आपको इस स्टेटमेंट में दिया क्या है, व्हाट पैरामीटर्स आर गिवन टू यू, आपको दिया है बेटा पावर 100 वॉट, फिर आपको दिया है वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज 220 वॉट, ठीक है. आपको निकालना है सबसे पहला रेजिस्टेंस, हमें पता है E क्या होता है, E V square by R पढ़ा हुआ है ना, तो यहाँ से बेटा R आ जाएगा E V square by P. E V square by P का क्या मतलब है, 220 into 220 divided by 100. तो ये आपके पास आ गया बेटा, सॉल्व करोगे पावर आ जाएगी 484 ओम. रेजिस्टेंस आ गया पावर से 484 ओम. अब आपको निकालना है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज. ई क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था ई नॉट बाय जैसे करंट का सेम उसी तरह हमने वोल्टेज पढ़ा था, दोनों के फॉर्मूले सेम है. तो ये आपके पास आ गया रूट टू इंटू ईवी, दैट इज रूट टू इंटू 220. ये आ गया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ द सोर्स. अब आपको निकालना है वर्चुअल करंट. तीसरा फॉर्मूला देखो बेटा, P is equal to voltage into power. तो करंट IV is P upon 2V, that is 100 upon 220. तो ये आ गया आपके पास 0.45 एम्पीयर. तो वही सिंपल फॉर्मूले हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा. एक वर्चुअल है, एक आरएमएस और वर्चुअल है, एक मीन है, पावर है, रेजिस्टेंस है. ये सिंपल फॉर्मूले आपने अपने पहले चैप्टर्स में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है भाई. अब है नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. हाँ जी, सब क्लियर, ये आपको समझ में आ गया बेटा. अब अगला न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट लिखो. हाँ जी, देखो बेटा, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट. फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट. दोबारा बोल रही हूँ, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स
of 220 volt. Find the inductive reactance and RMS current if the circuit, if the frequency of the source is 50 hertz. तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप उन सब पैरामीटर्स को लिखिए जो आपको दिए हुए हैं. क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले L 25 मिली हेनरी, that is 25 into 10 raised to power minus 3 हेनरी. फिर आपको दिया है बेटा वर्चुअल वैल्यू. जब तक लिखा ना हो हमेशा वर्चुअल वैल्यू होती है, क्योंकि अदरवाइज आप एसी को मेजर नहीं कर सकते. वर्चुअल वैल्यू आरएमएस वैल्यू जब आप डिवाइसेस यूज करोगे अपने लैब में तो वहाँ लिखा होगा एसी बैटरी मेजर वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू. ठीक है, तो आपके पास ये दिया है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. निकालना क्या है? एक तो आपको एक्स एल निकालना है और एक आपको आई वी निकालना है. आप एक्सएल सबसे पहले हम निकालेंगे. हमें फॉर्मूला अच्छे से पता है 2πμL रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, दैट इज 2π. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50. एल 25 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास आएगा 7.85. रिएक्टेंस का वही यूनिट होता है जो रेजिस्टेंस का होता है, 7.85. अब आपको निकालना है आईवी. आईवी किसके बराबर है? अगर वर्चुअल वैल्यू निकालनी है तो आप वर्चुअल वोल्टेज यूज कर सकते हो. तो ये आपके पास आ गया ईवी अपॉन रेजिस्टेंस. ये भी हमने पढ़ा था. तो आपके पास आ गया ईवी इज 220. रेजिस्टेंस हमने निकाला है 7.85. ये आ जाएगा बेटा सॉल्व करके 28 एम्पीयर. समझ आया भाई? तो ये था आपका हाउ टू सॉल्व. ये दो फॉर्मूले अभी हमने आर्टिकल्स में भी पढ़े थे, इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होता है और उसमें करंट. अगर यहाँ पे आई नॉट लगाओगे बेटा तो यहाँ ई नॉट लगाना है. अगर यहाँ आई वी लगाओगे तो यहाँ पे ई वी लगाना है. ठीक है, नाउ राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. लिखिए बेटा ए 1.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर. ए 1.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1.5 माइक्रोफैरेड, हैज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 12 ओम. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स? इफ द frequency is doubled, what will be capacitive reactance? ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हाँ जी, आप कहोगे XC is 1/ωC. ठीक है, that is 1/2πμC. आपको दिया क्या है?
raised to power minus 6. तो यहाँ से frequency आ गई बेटा 1 upon 2 by 10 to 12 1.5 10 to 10 raised to power minus 6. ये आपके पास solve करके आ जाएगा 8846 unit of frequency hertz. अब इसका दूसरा पार्ट कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा. अगर ये डबल हो गया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा. दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू. तो ये आपके पास 6 ओम हो जाएगा. इट विल रिड्यूसेस टू हाफ. तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल से बेस्ड ऑन मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस. ठीक है बेटा. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. गॉड ब्लेस यू.